क्या हुआ तुम्हें चंचल? मेरा स्टमक इतना ब्लोटेड रहता है, मेरा हेडेक भी इतना ज्यादा हो रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? मेरे तो वर्कआउट भी कर रही हूँ, डाइट भी ले रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, प्रोटीन भी ले रही हूँ, मैं तो फिर भी कैसे करूँ, क्या करूँ? मैं तो परेशान हो गई हूँ। काम डाउन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मॉर्निंग में रोज स्टमक क्लीन हो रहा है तुम्हारा? स्टमक क्लीन रोज तो नहीं, वीक में शायद दो बार ही होता है। बस यही तो है प्रॉब्लम की रूट। अब ध्यान से समझो मेरी बात और इसे इम्प्लीमेंट करो। ड्यूरिंग टोनिंग और मसल गेनिंग हम ज्यादातर हाई प्रोटीन डाइट पे रहते हैं, और प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको टाइम लगता है हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होने में, ब्रेक डाउन होने में, जिसकी वजह से वो स्टमक में ज्यादा देर तक रहता है। ड्यूरिंग दिस, जब हम अपनी डाइट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान नहीं देते तो हमारा वात दोष इम्बैलेंस हो जाता है। बहुत लंबे समय तक अगर वात दोष इम्बैलेंस रहता है तो हमारी डाइजेशन बहुत वीक रह सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि कॉन्स्टिपेशन और डिप्रेशन, टायर्डनेस, दिमाग जो है एक्टिव ना रह पाना, या फिर बहुत एक्टिव रहे कि आपकी नींद ना आपको प्रॉपरली आए, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी ओवरऑल वेलबींग को ख़राब कर सकती है, तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिनको आपको ध्यान में रखते हुए अपनी डाइट फॉलो करनी है। अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉन्स्टिपेशन की। नंबर वन इज हाइड्रेशन, योर वाटर इनटेक, उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जब हम अपनी बॉडी को पूरा पानी नहीं देते हैं तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी और डेफिनेटली वो वात दोष इंक्रीज होगा, ड्राइनेस इंक्रीज होगी। तो यू मस्ट टारगेट एटलीस्ट 5 to 6 liters जब आप हाई प्रोटीन डाइट पर हैं। नंबर टू इज मेंटेनिंग द टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हाई प्रोटीन डाइट पे हैं और हम वर्कआउट भी लगा रहे हैं और हमारा जो वेदर है वो भी समर में है, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी हीट ज़्यादा जनरेट करेगी। जब ज़्यादा जनरेट करती है तो हमें उसे बैलेंस करने के लिए कुछ कूल देते रहना चाहिए। अगर मैं कूल की बात करूँ तो आप अगर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे हम गूंद कतीरा बोलते हैं, आप बस थोड़ा सा इसको लेके सोक कर देंगे वाटर में तो ये फूल जाएगा। उसको आप स्पून के साथ लेके ऊपर से पानी पी लीजिए, ये आपकी बॉडी में जैसे ही स्टमक में जाएगा एक कूल सा जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जिसकी वजह से डाइजेशन ठीक रहती है। इसे आप ड्यूरिंग आफ्टरनून 2 spoons ले सकते हैं पानी के साथ, जब भी आपकी बॉडी ज़्यादा हीट जनरेट करने पर आ गई। नंबर 3 है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन से मेरा मतलब है जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, एक मशीनरी को इमेजिन करो, जब हम उसे यूज़ करते हैं तो उसकी ग्रीस ख़त्म होने लग जाती है जिसकी वजह से उसकी लाइफ कम होती है। ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी जो जॉइंट्स के अंदर ग्रीस है, लुब्रिकेशन है, वो कम होने लग जाती है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको लुब्रिकेट करके रखें। उसके अलावा हमारे डाइजेशन सिस्टम में भी जब ज़्यादा जोर पड़ता है हाई प्रोटीन डाइट का तो ज़्यादा यूज़ होता है, तो हमें उसको भी लुब्रिकेट करके रखने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स की मैं बात करूँ तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो उसमें मैंने गुड फैट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, जिसमें आप समझ पाएंगे और कौन से सोर्सेज हैं। मैं आपको मेन सोर्स एक बता रही हूँ इस वीडियो में, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये आप रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं, 1 spoon डालिए पानी में या दूध में और उसे पी लीजिए। अदरवाइज मॉर्निंग में आप वार्म वाटर में इसे लीजिए। सबसे ज़्यादा बेस्ट है जब आप इसको लेमन के साथ कंबाइन करेंगे तो उसका और ज़्यादा बेटर हो जाता है रिज़ल्ट। मॉर्निंग में वार्म वाटर में 1 spoon एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और थोड़े सा लेमन और साथ में थोड़ा सा हनी आपकी डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा बना के रखेगा। नंबर 4 इज फाइबर इनटेक। फाइबर इनटेक बहुत ज़रूरी है, जो हम ले सकते हैं फ्रूट्स के साथ और अपना सैलड खाने के साथ। आप अपनी मील्स के बीच में एक फ्रूट्स की मील ज़रूर रखें, और उसके अलावा जब आप मेन मील लेते हैं उसके साथ सैलड जैसे कि कैरेट, अनियन, और अगर आप बात करें रेडिश भी ले सकते हैं अगर सीज़न है, अदरवाइज टोमेटो, और गर्मियों में क्यूकम्बर आता है, बहुत बेनिफिशियल है, तो ये सब चीज़ें आप ऐड करें।
अगर आपके पास टाइम नहीं है ये सब ऐड करने का, तो एक फाइबर एज ए सप्लीमेंट भी है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। नंबर 5 इज प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो हेल्प करते हैं डाइजेशन को हेल्दी बना के रखने में, जिसके अंदर सबसे अच्छा सोर्स है दही और लस्सी। अगर मैं बात करूं, दही और लस्सी बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो सकती है और आप इसे खा भी सकते हैं। प्रेफर करो कि लंच, वाई लंच, क्योंकि उस टाइम पे बहुत गर्मी पीक पे होगी और आप अगर इसको लेते हैं तो आपका वो कूल मेंटेन करने का मोटिव भी पूरा हो सकता है बॉडी को, उसके साथ साथ आपके गुड बैक्टीरियाज तो आपके अंदर जा ही रहे हैं। तो आप इसे लीजिए। अगर मैं बोलूँ तो बटर मिल्क बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप ले सकते हैं, अगर बटर मिल्क नहीं ले सकते तो आप दही ले लीजिए। इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद भी अगर आपका डाइजेशन नहीं ठीक हुआ है, फिर उसका रीज़न है कि आपका प्रोटीन इनटेक आप सही नहीं ले रहे हैं। तो प्रोटीन इनटेक इस तरीके से आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आपका जो प्रोटीन इनटेक है 1.2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मैं आपको रीज़न एक्सप्लेन करती हूँ। जब आप बिल्कुल स्टार्ट करते हैं एक वर्कआउट अपना रिजाइम, तो क्या होता है हमारी बॉडी में उतना मसल मास नहीं होता जो उसको डाइजेस्ट कर सके, उतना अच्छा मेटाबॉलिज्म नहीं होता कि उसको डाइजेस्ट कर सके। तो हमारा मोटिव है कि हम जितना ले रहे हैं उसको अच्छे से अब्सॉर्ब कर सके, तो वो जो प्रोपोर्शन है वो आपके लिए उस टाइम पे बेस्ट रहेगी। इसी तरीके से आपको फॉर एग्जाम्पल टाइम हो गया आपकी जर्नी में मिनिमम 1 से 2 साल हो गए हैं आपको, तो आप ले सकते हैं बिटवीन 1.3 ग्राम टू 1.5 ग्राम। ये आपकी बॉडी पे बिल्कुल सेट बैठेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा प्रोपोर्शन जो है 1.3 ग्राम टू 1.4 ग्राम के साथ रहता है। तो ये था आपका प्रोपोर्शन बिटवीन 1.2 ग्राम ऑफ बॉडी वेट टू 1.5 ग्राम ऑफ बॉडी वेट इज द बेस्ट प्रोपोर्शन डिपेंडिंग ऑन द जर्नी, आपकी जर्नी कितनी नई है। और अगर मैं बात करूं, जो कहा जाता है यूजुअली, जो सबसे ज़्यादा डाउट आता है कि डबल द बॉडी वेट होना चाहिए, तो वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और अपनी स्टडीज़ और जो आयुर्वेदा है सब कुछ कंसिडर करने के बाद आपको मैं बताऊंगी कि वो जो है बिल्कुल सही नहीं बैठता है। जो डबल द बॉडी वेट है वो उन लोगों को बहुत अच्छे से सूट कर सकता है जो बिल्कुल प्रोफेशनली एथलीट हैं, उनकी जो पूरा लाइफस्टाइल है वो सब फिटनेस के ऊपर ही रहता है, बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, उनको वो सूट करेगा, वो डाइजेस्ट कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर आप हैं, आप फिटनेस को एक लाइफस्टाइल की तरह कैरी करते हैं, तो दिस इज द बेस्ट प्रोपोर्शन विच कैन हेल्प यू टू अब्सॉर्ब द प्रोटीन एंड आपकी जर्नी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी और आप इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तो ये था अबाउट दिस वीडियो एंड दिस टॉपिक। आई होप आपको इससे हेल्प मिले। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं बना सकती हूँ जिससे आपको हेल्प हो। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड सी यू।